नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह झाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल जर्नी मार्कर में। दोस्तों, अभी आपको जो घंटारों की आवाज सुनाई दे रही है वह है पांचाल भूमि का एक पवित्र स्थान जिसे जरिया महादेव कहते हैं। सौराष्ट्र के थान शहर से मस्त 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहां पवित्र स्थान आया हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडव कालीन मंदिर है। महाभारत युग में पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में यहाँ पर पूरा जंगल विस्तार था। उस समय एक बूढ़े बाबा और बाद में विशुद्धानंद स्वामी जी ने इस मंदिर का जिम्मा संभाला। विशुद्धानंद स्वामी की शिव भक्ति, शिव आराधना से यह मंदिर पूरी तरह से विकसित हुआ। परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं आज यहाँ पर हर दिन भक्तों का तांता लगता है। खास कर श्रावण मास और शिवरात्रि के पवित्र दिन पर यहाँ पर कई सारे शिव भक्त उमड़ते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस मंदिर में स्वयंभू अभिषेक होता है। जरिया महादेव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पहाड़ों से गिरने वाला पानी यहाँ की जो शिवलिंग है उसके ऊपर गिरता रहता है और यह क्रम सिर्फ बारिश के मौसम में नहीं लेकिन पूरे साल चलता है क्योंकि यहाँ पानी स्वयंभू अभिषेक होता है, इसलिए इसको जरिया महादेव कहते हैं। मंदिर के पास ही एक छोटा सा कुंड है। महादेव को अभिषेक हुआ जल उस कुंड में गिरता है और सभी भक्त लोग उसको चरणामृत के तौर पर ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि यह पानी पीने से आपके शरीर के सभी तरह के रोग मिट जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस मंदिर के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आगे का वीडियो सच में रोमांचक होने वाला है। हम महादेव के दर्शन करेंगे और हाँ, यहाँ पर एक महाकाली माँ की गुफा है, हम उसके दर्शन करने के लिए भी अवश्य जाएंगे। दोस्तों, यही है जरिया महादेव। आप भी मेरे साथ दर्शन का लाभ ले और सृष्टि के कल्याण के लिए साथ में प्रार्थना करें। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहाड़ों से गिरने वाला पानी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो रहा है और यही है विशुद्धानंद स्वामी जी की समाधि। यह वही स्वामी थे जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम जाएंगे महाकाली गुफा की ओर। सामने जो रास्ता दिख रहा है वह गुफा की ओर जाता है। यहाँ पर काफी अंधेरा है। यही है महाकाली माँ की गुफा। जय महाकाली, खप्पर वाली, सबका कल्याण करना। महादेव हर। अमे जड़िया महादेव दर्शन माटे राजकोट थी आवेला छे, माधवपुर चोकड़ी वृंदावन सोसायटी में। दर वर्षे दर्शन माटे आवीए छे। जगह सारी छे, जड़िया महादेव ने दर्शन करीने अनुभव मिल्यो छे अने जगह सारी छे। दर वर्षे आवीए छे पण आ वर्षे श्रावण महीनामां नथी आवानुं एटले अत्यारना आवेले छे। आजे भादરવી ચોથના દિવસે અમે બધા અલગ અલગ વ્યવસાય છે, કોઈ છે
બાંધકામ કોઈ મટીરિયલ કોઈ ગોલ્ડ બજારમાંથી બાકી બધા સાથે આવેલા છે. સારું રહે આમ, શાંતિ મળે છે, જગ્યા સારી છે, દર વર્ષે આવીએ જ છે. મહાદેવ तो दोस्तों यहीं थे जरिया महादेव, मेरे साथ आपने भी महादेव के दर्शन किए. आशा रखता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर सच में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर और मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें. फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ. तब तक आप मेरे साथ बने रहिए. महादेव हर, महादेव हर, महादेव हर, महादेव हर, महादेव हर.